मंत्री रहे आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और दूसरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बगल में बैठे हुए भासा सिंह जी, दोनों मंत्री रहे, दोनों विधायक हैं। इनके साथ कई प्रमुख लोग कल लखनऊ में वहाँ ज्वाइन करेंगे, बाकी उनके साथ यहाँ पर और सब साथी आए हुए हैं और आज इनको मैं पार्टी के अंदर ज्वाइन कराता हूँ और इस अवसर पर इनका मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। जो रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने किया है, पिछड़ों में से ही 4.5% का जो रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, ये पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। जबकि मुसलमानों की जो संख्या है उसमें जितने पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं उन सब लोगों को रिजर्वेशन स्वाभाविक इसके अंतर्गत मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव धर्म आधारित आरक्षण के विरोध में रही है। कांग्रेस ने इतने सालों के अंदर मुसलमानों के लिए सिवाय लालच देने के अलावा तो कुछ और काम किया नहीं है। उनको मालूम था कि चुनाव घोषित होने वाला है, मुसलमानों को रिझाने के लिए ये रिजर्वेशन का उन्होंने घोषणा की है। हम जनता के भी बीच में जाएंगे कि धर्म आधारित जो रिजर्वेशन हुआ इसके हम विरोधी हैं। अगर उनको कोई रिजर्वेशन अलग से धर्म के आधार पर देते हैं तो मेरी मान्यता रही है कि इससे अलगाववाद पैदा होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि इसी आधार पर वर्ग संघर्ष कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भी बात सच है कि सारे लोग चुनाव के अंदर अब जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में भी इसको हम मुद्दा बनाएंगे, बहुत तेजी के साथ इस बात को हम उठाएंगे। पिछड़ों का आरक्षण काटा गया और धर्म आधारित जो रिजर्वेशन दिया गया इसका हम विरोध करते हैं। जहां तक बाबू सिंह कुशवाहा जी का प्रश्न है, उस विभाग के ये मंत्री रहे हैं, उसकी जांच चल रही है शायद, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई नया विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। जितने उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है उसमें सीधे जिम्मेदार वहां की मुख्यमंत्री जी हैं। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे में मैंने हर सभाओं में इस बात को कहा था, बाबू सिंह कुशवाहा जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, और इसीलिए हमने उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। आखिर मायावती जी के पास कौन सी फैक्ट्री है लगी हुई कि जब मुख्यमंत्री नहीं बनी थी उस समय इनकम कितनी थी और आज की कितनी इनकम है? और ये सार्वजनिक होती है अब आजकल, जो ब्लैक मनी तो छोड़िए, जो व्हाइट मनी हो रही है वो हर जो चुनाव में जब आता है उसमें पर्चा दाखिल करते थे कि एफिडेविट देना पड़ता है, उसमें एक साथ इनकी इतना रुपया ये कहाँ से बढ़ता चला जा रहा है? ये जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा और इस मुद्दे को भी हम जोर शोर से उठाएंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शाही जी हैं, सूर्य प्रताप शाही जी, कुछ प्रदेश के विषय में कुछ और बताना चाहेंगे, मैं उनसे आग्रह करूँगा आगे की बात। थोड़ा सा आप कुर्सी उधर कर लें ताकि उस पर ये चालू है। शाही जी की बात हो जाए, मैं अभी फिर आपसे निश्चित आपको मौका दूंगा। श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी और श्री बादशाह सिंह जी, ये दोनों आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकार कर रहे हैं और इन दोनों ने इस बात का फैसला किया है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को
जीतने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे और अपने सामर्थ्य के साथ इसमें जुटेंगे। जैसा माननीय विनय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही सारे भ्रष्टाचार और लूट की पोषक रही हैं, संरक्षक रही हैं और उनका सीधा उसमें भागीदारी रही है। श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी उसके बलि के बकरे की बकरा बनाए गए हैं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए इनको बलि का बकरा बनाया और इनको मंत्रिमंडल से बाहर जाने के लिए विवश किया। बादशाह सिंह जी भी बुंदेलखंड के एक प्रभावी नेता हैं, और इन्होंने भी पार्टी की सदस्यता को स्वीकार किया है। इन दोनों के ताकत से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 2012 के मिशन में चुनाव जीतने की संभावनाओं में हमें पूरी ताकत मिलेगी और हम निश्चित रूप से अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय 5 साल के बहुजन समाज पार्टी के शासन से त्रस्त है। जिस सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने ये जो वादा किए थे, एजेंडा तय किए थे 2007 के चुनाव में कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज बनाएंगे और भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे, मुलायम सिंह यादव जी को और अमर सिंह को जेल में भेजेंगे, मैं आज 5 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की नेता श्रीमती सुश्री मायावती जी ने जो जनता को आश्वासन दिया था उस कसौटी पर वो खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश में न कानून का शासन स्थापित हो सका और न भ्रष्टाचारी या गुंडा राज के पोषक जेल जा सके, और इसलिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में आज भारतीय जनता पार्टी 2012 में एक नई भूमिका में आ रही है। और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि उसके सामने सबसे अच्छी विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही है, और इस नाते आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जनता का भी आशीर्वाद हमको बढ़ा है और हम उत्तर प्रदेश की सत्ता को बदल सकेंगे। श्री बादशाह सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से 4 बार विधायक रहे, कुछ कारणों से इन्होंने पार्टी छोड़ करके ये गए। लोकायुक्त के सामने जो इनका प्रकरण था वो भ्रष्टाचार या घोटाले से संबंधित नहीं था, वो एक जमीन के भू स्वामित्व का विषय है जो आगे भी अदालत में चलने वाला है, वो पारिवारिक है और वो पारिवारिक विषय है और उसके आधार पर इनके बारे में टिप्पणी आई, कोई गंभीर बात उसके पीछे नहीं रही है। और मैं इन दोनों को पार्टी में शामिल कराते हुए अपने को मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं अनुभव करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा जी के आने से और बादशाह सिंह जी के आने से ताकत मिलेगी। धन्यवाद जी। जी दोनों लोग चुनाव में अभी तो विचार करेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का जो सिस्टम है उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे और चुनाव जब लड़ेंगे तो उसकी घोषणा होगी। स्वाभाविक है, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक 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 मैं मानता हूँ मूल जो जड़ है वो मायावती जी, भ्रष्टाचार की जो जननी है वो मायावती जी हैं। आप मैं कहना चाहता हूँ 18 से 20 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अभी निकाले, 18 से 20 मंत्री निकाले। कब निकाले आपने? चुनाव की घोषणा हो गई तब आपने निकालने का काम किया, और अभी आप उन्हीं के माध्यम से मलाई खा रही थीं, तो कैसे चलेगा? इसलिए हमारी सरकार को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे 3-3 मुख्यमंत्री रहे, एक मंत्री पर आरोप नहीं, एक मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो जो प्रदेश का हमारा मुखिया रहा है, हेड रहा है, वो ईमानदार रहा है और इसके कारण से किसी पर कोई दाग नहीं। जी जी जी, जी।
देखिए एक 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 बार रुक जाइए, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम किसी भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे सकते, ना ही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जिसके संदर्भ में आप पूछ रही, अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, ना लोकपाल का ना किसी पाल का, केवल मायावती का है। और इसलिए है कि घर में इतने सालों से ये रहे हैं, तो कुछ टकराट हुई होगी, मैं उसका सब नहीं बोलना चाहता, आज का वो विषय भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो यथावत है। जी देखिए सीबीआई जांच चल रही है, एक मिनट मैं बता देता हूं। ऐसा है, जब इसकी जांच चल रही है तो सीबीआई जब पूछेगी तो उसको उत्तर देंगे। मेरी ओर से पूरी तरह से ये पाक साफ मामला है, और जस्ट वन मिनट, और सीबीआई इनसे इनको बुलाया था, मुझे लगता है पेपरों में आप सब लोगों ने पढ़ा है, आप सबने छापा भी है, वहाँ उन्होंने जवाब दिया है, जांच के दौरान जो तथ्य आएंगे सीबीआई स्वतंत्र है उसके लिए, वो ऊपर कार्रवाई करेगी। हरीश लकड़ा जी, ऐसा है ये कहीं रहते हैं फिर भी हमारी डाल पर रहते हैं, और ये कहीं जाते वाते नहीं हैं, और ये स्वाभाविक, ये फिर हमारे डाल पर हैं, पहले भी डाल पर थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप जो समझ लें मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जी, एक जी, ये ठीक है, ये अभी आपने प्रश्न, एक मिनट आपका हो गया ना, आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक पूछा है। अभी चूंकि जांच चल रही है, सीबीआई के इनसे पूछताछ कर रही है, तो जो जांच में आएगा वो बताएंगे वो, और सीबीआई के माध्यम से आपके पास आ जाएगा। आज आज इसके अलावा कुछ नहीं है जी। जी जी पहली बात तो मायावती पर मैं जो आरोप लगाता रहा हूँ वो सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर आरोप हैं। आज भी जो मैंने बात बोली बहुत जिम्मेदारी के साथ गंभीर बात बोली है, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे फिर मिलेंगे तो फिर पूरा, क्योंकि आज नए मेहमान हैं, आप पहले दिन मत शुरू कर दीजिए, बाद में शुरू करिएगा, बात करता हूँ। धन्यवाद, जरा इनको बुके दीजिए। हाँ हाँ पूछो पूछो, आपका सवाल तो हम टाल नहीं सकते, हाँ पूछें। इसलिए कर रहा हूं, नहीं नहीं कोई दोहरा माप, इनके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं है, जांच हो रही है, और बाबू सिंह कुशवाहा ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है, और ये भी कहा है कि ये जांच यदि हो जाएगी तो सीबीआई सही नतीजे पर पहुंच जाएगी कि इसमें किसके हाथ हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है या सर्टेन एलिगेशंस नहीं है, सिर्फ उन्होंने एप्रिहेंशन में और खुद अपने को बचने के लिए दो मंत्रियों को उन्होंने बलि की भेंट चढ़ाई, जिससे कि हाथ उन तक पहुंच रहे थे, और मामला कैसे सीबीआई के पास न जाए इसको डिले करने के लिए उन्होंने उस समय इशू को डिफ्यूज करने के लिए किया था, और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने इस बात को खुले रूप में कहा है कि सीबीआई जांच करे, मैं पाक और साफ हूँ, जो निष्कर्ष आएंगे उसको देखेंगे। राकेश जी कुछ कह रहे हैं, नहीं नहीं आज हम आज इनको अनुमति नहीं देंगे किसी कहने को, आज केवल इनका स्वागत, और फिर मिलेंगे, हम तो आपसे मिलते रहते राकेश जी। और कौन है, अमिताभ जी? हाँ अमिताभ जी का हमने,
ऐसा है हमारे यहाँ परंपरा हिंदू धर्म किसी छोड़ने के नहीं अंत तक निभाने की है, प्रतीक्षा कीजिए।